कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करनी है। ये हर दिन तुम्हारे पास शॉपिंग करने के पैसे आते कहाँ से? दो दिन पहले जब घर की ईएमआई के लिए पैसे मांगे तो तुमने तो कहा कि पैसे नहीं है, तो फिर ये शॉपिंग के पैसे कहाँ से आ गए? कहीं से भी आते हैं, तुमसे तो नहीं मांगती। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं तुम्हें पैसे नहीं देता हूँ तो ये शॉपिंग के पैसे आते कहाँ से है? सोसाइटी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपनी जरूरतें पूरी करती हूँ। लगी तो नहीं ज्यादा? आज अगर तुम नहीं होते तो उस टैक्सी ने तो मेरी जान ही ले लेनी थी। मैडम संभल के, संभल के, संभल के। कैलाश कुंज चलोगे? हाँ चलिए आइए। अरे रोको, इसे सोसाइटी में ले लो। जी जी। ये बैग जरा ऊपर पहुंचा दोगे प्लीज? संभल के, संभल के। संभल के। तो है नहीं, मैं अंदर से ले आती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। इसी एरिया में ऑटो चलाते हो? हाँ मैडम। कल मुझे शायद 11 बजे डॉक्टर के पास जाना पड़े, आ जाओगे? हाँ हम आ जाएंगे। ठीक है, नीचे पहुँच के मुझे इंटरकॉम से कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मैडम, हम आ जाएंगे। माया चल। क्या भैया, मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? मेरे बस का टाइम हो रहा है और आपका कुछ आता पता ही नहीं है। अरे बाबा वो ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, तुझे फटाफट बस पकड़ाता हूँ चला। भैया मेरी फीस का कुछ हुआ? वो मैं एक दो दिनों में तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, उसके बाद तू एटीएम से निकाल लेना। भैया याद से डाल देना, भूलना नहीं, नहीं तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अरे हाँ बाबा डाल दूंगा, अब चलने तो तेरे बकबक में बस छूट जाएगी। वॉचमैन से पूछा था मैंने, वो तो कह रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी बच्चा ट्यूशन पढ़ने नहीं आता।
तुम मेरी जासूसी उस वॉचमैन से भी करने लग गए? जासूसी नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हारे पास वो पैसे आते कहाँ से हैं। तुम्हारे पापा ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि वो जब तक जिएंगे हमें एक पैसे नहीं देंगे। फिर कहाँ से आते हैं? तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो किसी दिन मिलवा दूंगी बच्चों से, और वैसे भी मैं बच्चों को घर जाके ट्यूशन देती हूँ। हेलो मैडम, मैं विपुल, ऑटो वाला। अच्छा विपुल, आ गए तुम, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है मैडम, आप तैयार हो जाइए, हम यहीं नीचे खड़े हैं। अरे नीचे क्यों, ऊपर ही आ जाओ। ऊपर? ठीक है, हम आते हैं। मैडम ने ऊपर बुलाया है। ऊपर बुलाया? हटो पीछे। हेलो मैडम, आपने इसको बुलाया है क्या? हाँ मैंने ही बुलाया उसे, आने दो। ठीक है। जय भाई, मैडम बुला रहे हैं। फूक फूक कर रखना कदम, बड़ी हलचल सी होती है। समतल जमीन कभी दलदल सी होती है। सपने तो सब देखते हैं और सपने देखना सबका अधिकार है, लेकिन उन सपनों के पीछे भागते हुए कोई जुर्म के दलदल में उतर जाए, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, क्राइम स्टॉप के शो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, नमन करता हूं मैं रवि किशन आपका। जिसे जुर्म का दलदल कहते हैं ना, एक बार उसमें पैर डालने के बाद इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता चला जाता है। ये सच्चाई की दलदल है, लेकिन फिर भी लोग ये गलती करते हैं जानते हुए कि दलदल है। कुछ लोग सपनों के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे, ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें दलदल में गिरने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। अरे तुम अंदर आओ ना। हाँ। मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है मैडम। चलें? हाँ मैडम। तुम्हारा ऑटो बड़ा सजा हुआ है, खुद का है? जी मैडम, बैंक से लोन लेकर लिया था। अच्छा, कितनी इंस्टॉलमेंट जाती है? यही कुछ 12,000 के आसपास। इतना कमा लेते हो? हाँ हाँ, आराम से। इंस्टॉलमेंट भरने के बाद तो 20-25,000 बच भी जाता है। अच्छा रुको रुको, बस यहीं पे रुकना है। जी। कितना हो गया? मैडम 150 रुपये। ओह शिट, मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। वापस चलोगे? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस डॉक्टर से चेकअप करा के वापस चल देंगे और लौटते वक्त दोनों तरफ के पैसे दे दूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा मैडम, आप आ जाइए ना, हम इधर ही खड़े हैं। तुम्हारे पास 500 रुपये हो गए तो दो ना, घर पहुँच के सारे पैसे लौटा दूंगी। हाँ क्यों नहीं, ये 500 रुपये। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आइए।
पैसे लाए। देखिए मैडम, मैं अब और नहीं दे सकता। मैडम आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वो मैं करूंगा। देखिए आपने टक्कर मारने का नाटक करने के लिए कहा, मैंने वो किया। मुझे आके इस तरीके से टक्कर मारो जिससे कि मुझे ज्यादा चोट ना लगे। और हाँ, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना बर्बाद कर दूंगी, समझे? मैडम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। मैं जब तक जेल जाने से बचना है तब तक मुझे और पैसे देने होंगे, समझे? आइए मैडम, संभाल के इधर बैठिए। पानी लो। जी मैम। मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो तुम्हारे पैसे, ये 500 और ये 300। इसको ऊपर लाने की क्या जरूरत थी? अब वो मैं अपने पैसे ले जाना भूल गई थी इसलिए ले आई। तुम्हें पता है ना मेरा फेवरेट ग्लास है, इसमें इसको पानी देने की क्या जरूरत थी? देखो साहब की बातों का बुरा मत मानना, वो थोड़े गर्म दिमाग के हैं। वैसे अभी तुम जाओ लेकिन कल 11 बजे आ जाना, हाँ मुझे कहीं जाना है। ठीक है मैडम, आ जाएंगे हम। अरे आओ ना, आओ आ जाओ। अरे बैठो बैठो ना। मैडम आपका पैर ठीक हो गया? हाँ। क्या हो गया इसको? लाइए मैं देखता हूँ। हाँ देखो। लगता है रिमोट खराब हो गया मैडम। कोई नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। अरे तुम क्यों, मैं करवा दूंगी। अरे मैडम आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो मेरे पहचान का है ना, तो मैं करवा दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले देखो तो सही ये डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं, शायद शुरू हो जाए। ऑन हो गया मैडम। तुम्हें डांस आता है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा
मैडम के पास एक घंटे से कर क्या रहा था? हर इंसान की आंखों में कोई ना कोई ख्वाब पलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ख्वाब पूरा हो जाता है और वो अपनी तकदीर पर गर्व करते हैं। ऐसे ही तो हुआ ऑटो ड्राइवर विपुल के साथ। उसकी आंखों में रीमा का ख्वाब था। जब रीमा उसे मिल गई तो वो खुद को खुश नसीब समझने लगा। लेकिन क्या उसकी वाकई खुश नसीबी थी या सबसे बड़ी बदनसीबी? आइए देखते हैं। कब आई तू? बस थोड़ी देर पहले। बैठ। अरे यार बाहर इतनी गर्मी ना, मैं एग्जॉस्ट हूँ, मैं फ्रेश हो गया। ओके। अच्छा सुन। हाँ। तेरे भाई से बात हुई? वो कब पैसे जमा करवा रहे तेरे फीस के? हाँ उन्होंने कहा है एक दो दिन में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही पैसे ट्रांसफर करेंगे मैं एटीएम से निकाल के फीस जमा कर दूंगी। चल अब तो तेरी टेंशन खत्म हो गई ना। अच्छा सुन ना, वो अंदर एक रेड ड्रेस पड़ा है, प्लीज पास कर देना। टेंशन कहाँ खत्म हुई है यार, जब तक मैं फीस नहीं जमा कर देती तब तक मुझे टेंशन ही लगी रहेगी। तुझे पता है जब मैं पढ़ाई भी करती हूँ ना तो मुझे हर पेजेस में फीस की भी नोटिस नजर आती है। पागल है तू, फालतू की टेंशन लेती रहती है। अच्छा सुन ना, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, चल बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। अच्छा चल जाते हैं। चल चल ना बाबा, चलो। विपुल बेटा तेरे तो लॉटरी लग गई रे। दुनिया की इतनी खूबसूरत मैम तेरे पे फिदा है, ऐसा तो फिल्मों में देखा था यार, यहां तो असल जिंदगी में हो रहा है। अरे सलाम, अरे किस्मत इतनी मेहरबान है। लेकिन मैडम जी ने हमको रात को क्यों फोन किया? हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैडम, तुम मुझे एक दिन के लिए 20,000 रुपए दे सकते हो? मैं तुम्हें लौटा दूंगी। क्या 20,000 रुपए? मैडम इतने सारे पैसे नहीं है। नहीं है लेकिन। लेकिन क्या? वो कुछ काम से रखा था, बहन की फीस भरनी थी हमको। हाँ तो दे देना, एक दिन बाद दे देना, मैं तो तुम्हें कल ही लौटा दूंगी। मैडम लेकिन वो। ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ और बंदोबस्त कर लूंगी। और ना मैं कल से तुम्हें फोन भी नहीं करूंगी। अरे नहीं 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 मैडम, हम कुछ करते हैं ना, ला करके देते हैं आपको पैसे, एक ही दिन का तो बात है, हो जाएगा। ठीक है बाय, लव यू। फिर आ गया। अरे मैंने बुलाया इसे, वो पापा जी को ना ड्राइवर चाहिए था इसलिए बुलाया है। हाँ लेकिन ये ऑटो चलाता है ना? हाँ लेकिन ये कार भी ड्राइव कर लेता है ना, चला लेते हो ना? हाँ मैडम चला लेते हैं, पहले तो हम कार ही चलाते थे ना। झूठ क्यों बोला? हमको तो गाड़ी चलाना नहीं आता। लेकिन प्यार करना तो आता है। और क्या कहती कि तुम मेरे लवर हो? पैसे लाए हो? जी। या तुम्हारी फीस का कुछ हुआ? वो मैं एक दो दिनों में तेरे अकाउंट में डाल दूंगा, उसके बाद तू अपने एटीएम कार्ड से निकाल लेना। भैया याद से डाल देना, भूलना नहीं, नहीं तो हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैडम आज शाम तक मुझे वापस मिल जाएंगे ना? हाँ लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो फिर रख लो तुम्हारे पैसे। ऐसी बात नहीं है मैडम, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तो हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ये लीजिए। आई लव यू।
वही आदमी जिसने मैडम को टक्कर मारा था। ए! हेलो, वो जो आदमी ने आपको टक्कर मारी थी ना, अभी मैंने उसको आपके पार्किंग एरिया में देखा। अब जल्दी से वॉचमैन को लेकर के आइए। तुम तो वहीं पे रुको, मैं अभी नहीं चाहती। हाँ ठीक है। नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए।